यहाँ पर देख रहे होंगे हजारों की संख्या में भीड़ और मोबाइल लगातार जिस प्रकार से अभी यहाँ पर दिखाया जा रहा है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का इंतजार हो रहा है घंटों से। अभी रात के 12 बजे हैं, यानी कि आधी रात को धीरेन्द्र शास्त्री को लोग देखने के लिए बेताब हैं। बाबा के समर्थक कह सकते हैं कि अभी वहां से देख रहे हैं, बाकी अभी देख रहे होंगे बाबा को नीचे बुला रहे हैं उनके समर्थक और दर्शक लगातार बाबा को बुलाने के लिए। क्या कुछ करिएगा, जय श्री राम, जय श्री राम। देख रहे होंगे अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ पर आए हैं। भाई अरे गिर जाओगे जी, अरे गिर जाओगे जी। जय श्री राम, जय श्री राम। अब हिंदुओं का समय आने वाला है, हिंदू राष्ट्र का समय आने वाला है। कैसा होता है हिंदू राष्ट्र, जिसमें हिंदू मेजोरिटी हो, हिंदुओं की चले। नीतीश जी बोल रहे हैं कि संविधान से चलेगा, हिंदू राष्ट्र नहीं चलेगा। हिंदू राष्ट्र जब और सब जगह मेजोरिटी का चल सकता है तो हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं का क्यों नहीं चलेगा। हाँ, कैसा होगा हिंदू राष्ट्र आपका? शांति, अमन, शांति। कागज पे नहीं चाहिए, हिंदू राष्ट्र असली में चाहिए। इन लोगों का कहना है कि हमें हिंदू राष्ट्र कागज पे नहीं चाहिए, हमें चाहिए एकदम ऑथेंटिकल। ये हिंदू राष्ट्र का हल्ला हो रहा है जी, आप लोग एकदम हिंदू राष्ट्र बनेगा, एकदम हिंदू राष्ट्र बनेगा। कहाँ से आए हैं आप लोग इतनी रात को? हम लोग बजरंग दल से हैं और इतनी रात को बाबा से दर्शन कर लिए आए हैं। अभी देख रहे हैं क्या कहिएगा जी, हिंदू राष्ट्र आप लोग का है एकदम पूरा। बहुत जल्द से जल्द चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। अरे नीतीश चाचा गुस्सा रहे हैं, अरे नीतीश चाचा जाएंगे, अब नीतीश चाचा बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र नहीं रहेंगे। अब नीतीश चाचा पुराने हो गए, पुराना हो गए हैं जी। अब उनका जाने का समय आ गया है। अब बजरंग दल यहाँ दंगा उंगा करवाता है, पूरा सरकार बोल रही है। अरे भैया दंगा उन्हीं के लिए है जिनके लिए वो लगता है कि दंगा करवाने वाले लोग हैं। जिनके लिए अपने हैं उनके लिए ब्लड देते हुए कभी मिल जाएंगे, कभी आर्मी पे भरोसा नहीं हुआ। आर्मी भी दंगे करती है, गलत कार्य करती है, उनको बजरंग दल का मतलब क्या समझ में आएगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देख रहे होंगे यहाँ पर किस प्रकार से जो कल भीड़ थी 500 वो यहाँ पर अब 5000 से ज्यादा बढ़ गई है। कल से ज्यादा भीड़ है। कल भी आए थे क्या? नहीं कल हम नहीं, लेकिन मेरा दोस्त लोग आया था। कैसा हो हिंदू राष्ट्र आप लोगों का, कैसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? अब बहुत जल्द चाहते कि हिंदू राष्ट्र बने, अपना भारत देश बहुत जल्द से जल्द। अभी ये हिंदू राष्ट्र की बात है, आने वाले दिनों में इस भारत को अखंड भारत भी बनाएंगे। अखंड भारत क्या होता है? अखंड भारत जैसे पहले था, जैसे पहले था पूरा वियतनाम जितने भी देश हैं आस पड़ोस के सभी अखंड भारत के रूप में पहले था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारे अखंड भारत में आते हैं और एक दिन ऐसा होके रहेगा, बिल्कुल होके रहेगा। और ये और इस हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत के और हिंदू हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत के लिए जो बाबा ने संकल्प लिया है उसको हम मरते दम पर भी पूरा करेंगे। चलिए तो देख रहे होंगे आधी रात को हिंदू राष्ट्र के साथ साथ अखंड भारत की भी मांग हो रही है। जय श्री राम। आ बाबा, यानी आ बाबा, बाबा से मिल ही जाइएगा। हाँ बाबा से मिलने तो आए थे, आ गए वहाँ, आ गए और देख रहे होंगे बाबा यहाँ से अपना स्पीच दे रहे हैं, बाकी जय श्री राम का नारा लग रहा है। तो अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे इस एपिसोड में। अब बाबा के जी बोलिए, सब फेल है, सिस्टम में फेल है। बाकी अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि आप बने रहे झकास भारत के साथ। इन लोगों की हिंदू राष्ट्र की मांग आप लोग को सुना रहे थे, बाकी कैमरे के पीछे शशिकांत सौरभ हैं, धन्यवाद।